हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यस, आज नहीं है हॉलीडे और हम पहुंच चुके हैं कॉलेज। सो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कॉलेज, लेकिन कॉलेज में लाइब्रेरी तो बंद है और अभी हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठ कर भी हम सोच रहे हैं कि क्या करें। मुझे एक्चुअली निकलना है थोड़ा सा कहीं काम के लिए। मैं आपको वहाँ जाके बताती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। तो अभी हरिंदर सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ। हरि, क्या सोच रहा है तू? सोच रहा हूँ वापस चला जाता हूँ। क्यों? यहाँ बैठ के तू चाबी ले ले और पढ़ाई कर ले। और यहाँ आंटी पोछा लगा के आ रहे हैं। आंटी जब भी पोछा लगाते हैं हम पहले पहुँच जाते हैं। सॉरी आंटी। दोस्तों, ये है हमारे संतोष जी। कल देखा होगा आपने, इनके साथ हो गया बहुत बड़ा पोपट। दे आए, तुम वापिस कर आए अपने कपड़े? नहीं, मेरे पास तो मेरे पास मैंने क्यों देने? तुम वापिस दे, पार्टी तो एक्सटेंड हो गई है ना। लगा के ही भाई, अगर देखो, हेलो, आगे देखो चार्जेस पड़ेंगे, फिर दे देगा खुले पैसे। ये वाला ब्लॉग हम अंकल को भेजेंगे, ये वाला उसका ब्लॉग अंकल के लिए। क्या बात है, चलो जी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और दोस्तों, यहाँ पे हो रही है साफ सफाई। यहाँ पे देखो घास काटा जा रहा है और देखो इसका स्टाइल। हाय गर्मी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए गाइस, इधर देखिए, ये अभी उठे हैं जनाब। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, क्या हाल है? बढ़िया। सो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं और ये जनाब अभी तक नहाए नहीं है। तुम्हें कॉलेज आना आज? जाना, मैंने बस थोड़ी देर में निकल। चलो, ये अभी पहुंचेंगे कॉलेज और मैं जा रही हूँ कहीं और। ये क्लिप्स अपने करेगा शूट और मैं अपनी करती हूँ, ठीक है दोस्तों? सो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ वापस अपने एबी कॉलेज, अपने ग्रेजुएशन वाले कॉलेज। यहाँ पे आज मुझे थोड़ा सा काम। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू दी माय चैनल। और गाइस, जैसे आपको पता है, मैं हो चुका हूँ तैयार और मैं आप पहुँचा हूँ इस टाइम पे अपने कॉलेज के गेट के पास और मैं करने जा रहा हूँ अपनी एंट्री। और ये देखिए गाइस, मेरे हाथ में आज कितनी सारी फाइलें हैं। तो गाइस, मैंने अपनी फाइल जो है कंप्लीट कर ली है और मैं करवाऊँगा आज इसको चेक। और गाइस देखिए, कॉलेज में कुछ बड़ी सन्नाटा जैसा लग रहा है मुझे। आज लगता है यहाँ पे हुई आज ग्रास कटिंग। बड़ी साफ सफाई दिखाई दे रही है। मैं इस टाइम पहुँच चुका हूँ यहाँ पे और जनता जो है वो पीछे से गाइस बच्चे कुछ दिखाई दे रहे हैं मुझे। लगता है गाइस बच्चे जो है वो भाग आए हैं कॉलेज से। बाकी गाइस, मैं अब इनके साथ बात करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हो रहे हैं आम की चोरी। वो देखिए गाइस, भुवनेश कहीं भागने की तैयारी में है, अभी पता नहीं कहाँ जा रहा है। गाइस, मुझे लगता है कि बारिश लग पड़ी है, कुछ ऐसा मौसम दिखाई दे रहा है। मैं हो चुका हूँ लेट, तो सारे बच्चे जो है वो निकल गए हैं पहले और अभी मैं जाऊँगा अंदर और फिर मिलता हूँ आपके साथ थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू दी माय चैनल। और गाइस, जैसे आपको पता है, मेरी थी अभी माइक्रो की क्लास और मैं आ चुका हूँ बाहर। मैं जा रहा हूँ लंच करने के लिए। और देखिए गाइस, पीछे से कौन आ रहा है? देखो देखो, पीछे से कौन आ रहा है? बिक्की भी है और मैं भाई का नाम भूल गया मैं। चलो गाइस, कोई बात नहीं, भाई हैं अपने। अच्छा, कांगड़ा से हैं ये भाई अपने? अच्छा, कांगड़ा से हैं। और सर, कांगड़ा वाले आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बारिश की क्या आसार है सर कांगड़ा में? आपने सर कांगड़ा में तो बारिश खूब हो रही है, पर इधर पानी की कमी कमी है। अच्छा, कांगड़ा में बारिश खूब हो रही है, पानी की कमी। क्यों ना मंडी से पानी मंगवाया जाए? मंडी में मैंने सुना बड़ा पानी आया इस बार, तो मंडी से यहाँ पे पानी मंगवाया जाए? बिकी भी है कोई सर? पाइपों को सलंबर भाई से मंगवाते हैं। अच्छा अच्छा। तो गाइस, जैसे आपको पता है, अभी हम आ चुके हैं क्लास लगा के। ये अपने अपने प्लम्बर भाई अपने, ये अपने हॉस्टल में कभी भी जरूरत पड़े एडवर्टाइजमेंट भी दे रहा हूँ मैं। देखिए गाइस, वैष्णो कॉलेज की यूनिफॉर्म भी लगी हुई है, भाई का टैग भी लगा हुआ है। जो वैष्णो कॉलेज में अगर कभी भी पानी की समस्या आती है तो यही ठीक करते हैं गाइस। और सर कुछ कहना कर चाहेंगे आप? और गाइस देखिए, अभी हम जा रहे हैं बाहर और मैं पहुंच जाऊं गर्ल्स हॉस्टल के बाहर। तो गाइस, विकी बीएड, क्या आप अंदर जाना चाहते हैं गर्ल्स हॉस्टल में? अच्छा, विकी बीएड का फीडबैक हमें मिला है कि बोले हमारा क्या काम है। ये देखिए गाइस, बिट्टू आ रहा है आगे से। ये देखिए गाइस, बिट्टू आ रहा है और बिट्टू निकल चुका है गाइस। आजकल बिट्टू बाइकों पे घूम रहा है गाइस। और गाइस, मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। So guys, this is the college. वहाँ सामने है कैंटीन। सो दोस्तों, आज मैं आपको कॉलेज दिखाती हूँ। यहाँ पे है लाइब्रेरी और यहाँ पे है ऊपर कंप्यूटर डिपार्टमेंट। और यहाँ पे जब हमारे एग्जाम होते थे यहाँ होते थे। और वहाँ उधर साइंस ब्लॉक है, वहीं जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री। और ये रहा गार्डन, यहाँ का लॉन, वहाँ हम पीछे बैठा करते थे। अभी बहुत घास वास है ये सब। ये आर्ट्स ब्लॉक है। सो गाइज, हो गया है मेरा यहाँ से काम, अभी मैं जा रही हूँ वापस कॉलेज।
देखो देखो कौन आ रहा है। गाइस यहाँ पे है बहुत ज्यादा धूप, लगता है सिमरन मैडम आ चुकी है और आ चुकी तैयार होके मैम में क्लास लगा के आ गया फाइन फूड। बिल्कुल और देखो गाइस मैं आ गई वापस और यहाँ पे चल रही है शूटिंग। ओहो दोनों हाथ होके तैयार व्यार होके हाँ क्लासेस लगवा के आ गए, आ जा फिर चले कैंटीन। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कॉलेज और अभी हम जा रहे हैं कैंटीन। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, मैम ने कहा कैंटीन। दोस्तों आज बहुत तेज धूप है, क्लाउड्स आ रहे हैं, साथ में क्लाउड्स आ रहे हैं लेकिन फिर भी धूप हो गया। देखो गाइस हवा भी आ रही है हल्की सी बट धूप तो बहुत तेज है। ये देखो मेरी होगी माइक्रो की फाइल चेक और मैं हूँ बहुत ज्यादा खुश क्योंकि मेरे को बची एक फाइल, उसके मेरे को तीन लेसन प्लान बनाने को, बाकी मेरा सारा काम हो गया है कम्प्लीट। पता नहीं कैसे फटाफट ऐसे पचा बोलता रहता है, मेरे से तो ऐसे बोला ही नहीं जाता। मैं तो हेलो गाइस ऐसे बोल के फिर मैं क्या बोलू। ये अच्छा यार तू भी कभी एक चैनल बनाते हैं दोस्तों। ये देखो पीछे गाय। अभी हम पहुंच गए हैं दोस्तों कैंटीन। हाँ चाय की लगी है ठंडा, मैं पीऊंगी चाय, मैं पीऊंगा ठंडा, मैडम पीएंगी चाय और ठंडा गरम। तो दोस्तों यहाँ आ गई है हमारी चाय और कूल चाय, इसके बिना तो दिन ही अधूरा है। और ये देखिए ये पी रहे हैं ठंडा और हम पी रहे हैं गरम। दोस्तों अभी हम जल्दी जल्दी पहुंच चुके हैं अपने कैंपस में क्योंकि पता नहीं क्यों बुला रहे हैं जल्दी जल्दी। और आपको बताएं दोस्तों जो फेयरवेल थी हमारी कल, मैं बता रही थी 19 को होगी लेकिन 19 को नहीं अभी होगी, परसों यानी कि फ्राइडे को हमारी फेयरवेल है। हमारी फेयरवेल नहीं है, इसी फंक्शन है। तो ये लड़की है बीमार हो गई, किसको बुला रहे हैं मैडम? दोस्तों यहाँ चल रही है फेयरवेल की तैयारियाँ। तो यहाँ क्या चल रहा है? चल रही थी नवाला बोलते इसको, ये हिमाचलियों का बजा रहे हैं। हाँ हिमाचलियों का कुछ कल्चर है, रिचू क्या बोलते हैं, हाँ वही कुछ कल्चरल एक्टिविटी है इनकी नवाला ना, शिव जी भगवान का होता है नवाला। अच्छा हाँ जी, तो हम भी कर रहे हैं भाई तैयारी है कि हम भी कर रहे हैं तैयारी है। तो अभी अभी कुछ गाने वाने मर्ज करेंगे और फिर देखते हैं क्या करते हैं। दोस्तों अभी हम बैठ के खा रहे हैं खाना, यहाँ पे लेके आए हैं ये अरबी। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस और ये बना रहा है फाइल। और क्या है फेयरवेल कब है? 19 को कभी बोल रहे हैं, परसों फ्राइडे को है। 19 को मेरे को पक्की खबर पहुंची, मैंने क्लास में डिस्कस किया बच्चों के साथ, उन्होंने बताया कि आज सर ने उनको परसों बताया कि 19 को शायद 19 को मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे। और ये देखो फाइल बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे लगे हैं राजमा, चावल, चने की दाल, काली दाल, सेटिंग कर रहे हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चल रहा है नवारा और अभी एक भाई बजा रहे हैं थाली, थाली में जा रहा है सच्चू भाई, दो बेला जय बोले बोलेगी फोर्ट करेगी वो। चल चल कंटिन्यू कर। पत्ती निकल आई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का दिन। और कैसा रहा आपका दिन आज? गाइस हमें तो नाच नाच के मजा आ गया। पर गाइस एक बात है यार, हम ऐसे खिलाड़ी डाल सकते हैं, हम सिर्फ खिलाड़ डाल सकते हैं, बाकी ना हमसे कोई डांस परफॉर्मेंस होती है ना हमसे कोई सिंगिंग होती है गाइस। ठीक नहीं, हम तो कर रहे हैं ये कर रहे हैं डांस और हम ले रहे हैं मजे गाइस। और हमारी पार्टी जो है वो 19 को हो चुकी है,
किस बात की आंटी? पता नहीं क्यों स्माइल कर रही है। ये हो चुका है कंफर्म कि हमारी जो पार्टी है वो 19 को है और आराम से तैयारी करे गाइस, पार्टी होती रहेगी पेपरों पे। ये आंटी भी स्माइल कर रहे हैं। आंटी हमें हाय करते थे। चल जिंदा है ये। एक और आंटी आए हैं। आंटी आप भी हाय करते जाओ। ठीक है ठीक है, चलो हर हर महादेव। बाय बाय गाइस, सो दोस्तों अभी हमने उठा ओके दोस्तों बाय। मैं तो भी निकले दिख रहा है। चलो दोस्तों बाय। हम बहुत ही ज्यादा हैवी ड्राइवर हैं। माय गॉड, ठोक दी इसने।